Students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, today we are going to start the new topic, that is various categories of business services. So let's begin. So the various categories of business services, मैंने आपको पहले भी बताया कि business services होती क्या है, ठीक है? तो वो कौन-कौन सी categories आती हैं business service में? The first one is banking, then insurance, postal and telecom services, warehousing services and the transportation. And today we discuss about the banking. ओके बैंक तो आप सबने सुना होगा, कुछ लोग आप लोग में हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ गए भी होंगे, देखा भी होगा. बट बैंकिंग क्या है, बहुत बड़ा टर्म है. बहुत बड़ा किस लिए कि उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है? तो आज हम उसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग एक्चुअली में है क्या. तो बैंकिंग सर्विसेज क्या करती है, आपको पता है कि आपको बेसिक चीज़ बहुत पता होगी कि हम लोग वहाँ से पैसे हम लोग वहाँ डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से विड्रॉल करते हैं, ठीक है? तो बैंक क्या है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड, ठीक है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच अट्रैक्ट्स मनी, यानी कि जहाँ पे क्या है, हम लोग अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू, यानी कि जब इंडस्ट्री या ट्रेड में उसको कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उसे लोन भी लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज बैंक, ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ चुका है, तो स्टूडेंट्स इसको आप मार्क कर लीजिएगा. Bankers are not merely money lenders. A bank lends when it borrows from others. Okay. A bank is a buyer and a seller of money. A bank earns a margin of profit by lending money which it borrows. ठीक है, तो क्या बताया है कि बैंक बेसिकली क्या है कि वो क्या करती है, लोगों से एक तरीके से देखा जाए, a bank lends when it borrows from others. यानी कि हम वहाँ पे पैसे देते हैं तो बैंक क्या करती है, उसको अपने पास रखती है, ठीक है? तो बैंक क्या, एक तरीके से बायर भी है और सेलर भी है मनी की, ठीक है? यानी कि बायर कैसे है कि वो ले भी रही है और सेलर कैसे है कि वो बेच भी रही है, यानी कि दे भी रही है, लोन भी प्रोवाइड कर रही है. तो इस अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मींस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी, बैंक क्या करती है, मनी को डिपॉजिट करती है किससे, फ्रॉम द पब्लिक यानी कि हम लोगों से, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि लैंडिंग मतलब कि उधार देती है किसी को, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो अपने पास रखती है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने ये बैंक की डेफिनेशन को डिफाइन किया है. ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ अकाउंट. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग के घर में भी जिनके बैंक अकाउंट होंगे तो उसमें क्या, हर तरीके का अकाउंट्स अलग होते हैं, ठीक है? कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ठीक है? तो हर तरीके के अकाउंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सेविंग डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि आपका अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट है. उसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, यानी कि उसमें क्या है कि आप छोटा छोटा अमाउंट उसमें जमा कर सकते हैं अपना, ठीक है? ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट व्हेनेवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट व्हेनेवर सरप्लस इज अवेलेबल. आप उसमें कभी भी विड्रॉ यानी कि निकाल सकते हैं और कभी भी उसमें जमा कर सकते हैं. डिपॉजिटर इज इशूड अ चेकबुक एंड पासबुक, ठीक है? तो जो डिपॉजिटर होता है बैंक का, तो उसको क्या मिलता है, उसको क्या इशू होता है, चेकबुक इशू होती है और एक पासबुक इशू होती है. नेक्स्ट आता है ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन पासबुक. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग के पेरेंट्स के पास भी होगी पासबुक. पासबुक होती है जिसको आप मेंटेन करते हो. आपने कभी बैंक में देखा होगा एक मशीन भी लगी होती है, अब तो आजकल बैंक को एटीएम के साथ में लगने लगी है वो पासबुक. तो जिसमें क्या होता है, आप पूरा अपना जो भी आपने विड्रॉ किया है या आपने डिपॉजिट किया है, तो वो पासबुक एक डायरी की तरह होती है, ठीक है? उसमें क्या, सारी चीज़ें क्या, वो मेंटेन करके देता है. आप उसको ऐसे करके जब लगाओगे उसमें, तो वो क्या पूरा मेंटेन करके देगा कि आपने किस डेट को विड्रॉ किया, कब आपने डिपॉजिट किया, उसको पासबुक बोलते हैं, जिसको हम डिपॉजिटर मेंटेन करते हैं. और जिनको जिस बुक को जो बैंक वाले मेंटेन करते हैं, उसको कैश बुक बोलते हैं. सो ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉ बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट ओनली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है? हमें सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है. स्टूडेंट्स, हर अकाउंट में जो मेन चीज है याद करने की, वो ये है कि आपको बस पहले तो ये पता होना चाहिए वो अकाउंट कैसा है. जैसे अभी हमने पढ़ा है कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, कि अ पर्सन हु कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, ठीक है? दूसरा, आप छोटे छोटे पॉइंट करके इसको लर्न कर सकते हो कि उसको डिपॉजिटर को चेक इश्यू होता है और पासबुक होता है.
आप कभी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं मनी और डिपॉजिट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर किसी का जरूर लर्न करिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट का क्या होता है, जनरली फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। ठीक है, करंट डिपॉजिट को कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन। तो जो अकाउंट होल्डर होता है वो क्या करता है, वो कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड, यानी उसका जब वो चाहे वो डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉल लेकिन हमेशा वो किससे करेगा, मेड बाय चेक। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि करंट डिपॉजिट है तो यानी कि ऐसे याद रख लीजिएगा, सी से करंट है तो वो हमेशा पेमेंट भी किससे करेगा, यानी कि विड्रॉ जब भी निकालेगा तो वो किससे निकालेगा, हमेशा चेक से निकालेगा। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। तो जो बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो कभी कभी क्या होता है, उनको क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको अवेलेबल होती है। ये होती क्या है कि जैसे कभी आपको कोई पैसे किसी को देने हो, आपने अपनी चेक, उसने क्या बोला कि इसको किससे पेमेंट करना है, चेक से। आप, मैंने आपको चेक बना के दे दिया कि ठीक है 50,000 रुपये मेरे, ये लो चेक, मैं आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब वो आप निकालने गए तो देखा कि मेरे अकाउंट में तो लेकिन क्या था, सिर्फ 40,000 रुपये थे, लेकिन उसको मिले। अब अगर वो 40,000, अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए, उसका चेक तो उसको पैसे मिल ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मेरे, मैंने तो चेक 50,000 का काट के दिया था उसको, लेकिन मेरे अकाउंट में तो 40,000 रुपये थे। तो ये बैंक क्या करता है, फॉर द सेक ऑफ योर रेपुटेशन, कि आपकी रेपुटेशन खराब ना हो, बैंक क्या करता है, वो 10,000 रुपये अपनी तरफ से देगा और उसको पूरे 50,000 रुपये देगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरे को किसने, मेरे तरफ से किसने पैसे दिए, बैंक ने पैसे दिए। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसमें पैसे जब भी डिपॉजिट करूंगी तो वो कुछ इंटरेस्ट के साथ बैंक जो है वो 10,000 रुपये मेरे उसमें से कट कर लेगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो है जिनका करंट अकाउंट होता है उनको अवेलेबल होती है। सो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, पेड नहीं होता। एंड सम सर्विस चार्जेस चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये सर्विस, अब ये एक तरीके से क्या हो गई, सर्विस हो गई कि भाई मेरे में तो 50,000 थे, सॉरी 40,000 थे, और मैंने उसको बोला 50,000 रुपये ले लो, तो बैंक ने मुझे क्या प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड की। मेरी इज्जत उसने बचा ली, क्यों, क्योंकि उसने पूरे 50,000 रुपये निकाले लेकिन 10,000 दिए किसने, बैंक ने। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक फॉर्नाइट, यानी जो भी स्टेटमेंट होता है वो बैंक क्या करता है, उसको हर वीकली मंथली उनको भेजता रहता है। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 रुपीज एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन ऑन द सेविंग अकाउंट। ठीक है, देखिए डिपॉजिटर, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि जो डिपॉजिटर होता है उसके लिए क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि उसको हर महीने इतना अमाउंट उसको देना ही देना है। ठीक है, द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, यानी कि वो जो सब अमाउंट पे इंटरेस्ट उसको कब मिलेगा, जब उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, कि वो हर महीने पैसा तो देगा लेकिन उसमें से वो तभी एक मैच्योरिटी डेट पे ही निकाल सकता है, कि वो मान लीजिए 5 साल के लिए जमा कर रहा है, वो 3 साल के लिए जमा कर रहा है, तो उसके बाद ही वो निकाल सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट कैसा होता है, हायर होता है किससे, सेविंग अकाउंट से। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने FD सुना होगा घर पे या टीवी में भी सुनते होंगे FD वगैरह। क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट इज रीपेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। इसमें भी क्या होता है कि आप अपने पैसा जो जमा करते हैं उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है। ठीक है, जो आप 6 मंथ से लेके या 5 साल तक की अपनी FD को बना, जैसे कहते हैं ना कि FD तोड़वाना, FD बनाना, तो ये वही अकाउंट है। ठीक है, तो आप उसको 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स के उस पर आप बना सकते हैं कि आप FD कितने टाइम के लिए बना रहे हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप ज्यादा साल तक के लिए उसको बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। द बैंक इशू रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर एक्नॉलेज रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। तो बैंक क्या करता है, एक सर्टिफिकेट टाइप का एक रिसिप्ट होती है, जिसमें क्या है कि बैंक जो है आपको वो FD की रिसिप्ट बना के देता है कि आपने इतने रुपए से स्टार्ट किया था और आपने 5 साल के लिए वो FD बनवाई है और इतने इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन FD इज हाइएस्ट, यानी कि सबसे हाइएस्ट इंटरेस्ट किस में मिलता है हमको, फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD में।
ओके तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो सॉरी वन इज लेफ्ट. नेक्स्ट आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. दिस अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शंस टू डिपॉजिटर्स. दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. ठीक है तो ये क्या है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का एक कॉम्बिनेशन होता है इसलिए इसको मल्टीपल ऑप्शन बोलते हैं. क्यों देखिए इसमें क्या होता है. इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट. इसमें देखिए दोनों चीजें क्या होती है कि जो डिपॉजिटर है वो दोनों चीज को एंजॉय कर सकता है. ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको कितना अच्छा मिलेगा. वेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर इन टू फिक्स अकाउंट. देखिए इसमें क्या होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके दो अकाउंट की तरह एक अकाउंट चलता है यानी कि वो सेविंग अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी है. यानी कि आप उसमें ये लिखते हैं आप उसकी जैसे मान लीजिए आपने उसमें 1,00,000 रुपये जमा 50,000 रुपये जमा की करते करते हो गए. आपने ये लिखा कि अगर मेरे 1,00,000 हो जाता है तो उसका अमाउंट यानी कि इसमें 20,000 या 40,000 जो है वो ऑटोमेटिकली कि क्या बन जाए ट्रांसफर हो जाए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में. अभी हमने पढ़ा कि फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है सबसे हाई होता है. तो यानी कि हमारा अमाउंट जैसे जैसे हम इधर से बढ़ता जाएगा वो क्या होगा फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर होता जाएगा और उससे क्या होगा फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट होकर हमारा जो पैसा है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा. तो ये होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ओके सो द स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे डिपॉजिट अकाउंट. आई होप कि आपको सब समझ आया होगा. Okay, so that's for all today, students. Thank you.